तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आपने थंबनेल बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पे मैंने लिख दिया है कि अब नहीं होगा कोई भी फ्रॉड। जी हाँ दोस्तों, OLX की तरफ से ये मैसेज है। और क्या मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज आप सब लोगों के लिए है। जिन लोगों का फ्रॉड हो चुका है यार, उनकी तरफ से मैं भी बड़ा मतलब दिल मेरा भी ऐसा है कि नहीं होना चाहिए था। इवन मेरा भी ऐसा हुआ तो मुझे भी बहुत दुख है भाई। मेरा भी करीब करीब 80,000 रुपये का मेरे साथ भी हुआ। लेकिन खैर वो एक अलग बात है। अब जो स्कीम है, अब जो OLX वाले काम कर रहे हैं, वो बहुत कोशिशों के बाद कुछ अच्छा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट बिना किसी देर करते हुए। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भावनाओं में आप खो जाते हो, वीडियो लाइक करने ही भूल जाते हो। और दूसरी चीज़ ये, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भाई OLX पर जितने भी फ्रॉड हो रहे थे उसकी संख्या करोड़ों में इस वक्त पहुँच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों में पहुँच चुकी है और लाखों लोगों तक ये पहुँचा है। लाखों लोगों के पैसे जो है वो फ्रॉड हुए हैं। अब उन फ्रॉडों की जो कीमत मैं बताऊँ कम से होती है तो 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 10,10,00,000 रुपए भी यहाँ पर फ्रॉड हुए हैं लोगों के, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों ने किए हैं जो अपने आप को बताते हैं इंडियन आर्मी से हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये इंडियन आर्मी का नाम भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा था। तो जब लोगों ने इसकी कंप्लेन करना शुरू करी दिल्ली में, आउट ऑफ दिल्ली में, लंदन में, बिहार में, गुजरात में, आसाम में, और जितने भी शहर से ये फ्रॉड हुआ है, जब सब लोगों ने इसकी कंप्लेंट करना शुरू की तो भाई लोग भी पागल हो गए। यानी कि थाने वाले भी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो और प्रशासन है, वो सब लोग मतलब पागल हो गए कि यार ये क्या चक्कर है कि रोज़ यही एप्लीकेशन, रोज़ यही फॉर्म, रोज़ यही एफ आई आर, रोज़ यही लोगों लेके आ रहे हैं शिकायतें। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है और लोगों के पैसे जा रहे हैं? लोग पागल तो नहीं है इतने लोग आ जाएंगे ऐसी? तो यहाँ पर हुआ ये है कि जब लोगों ने अटेंशन करना शुरू करा, जब लोगों ने फोर्स करना शुरू करा प्रशासन को, तो प्रशासन ने वही काम करा जो मैंने आज से बहुत दिन पहले कई वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ कि मीडिया तक ये बात पहुँचाई। जब मीडिया ने इसकी छानबीन करी तो साइबर सेल वालों के पास पहुँची, जब साइबर सेल वालों ने उसकी छानबीन करी तो CID वालों तक पहुँची, और जब क्राइम ब्रांच ने उन लोगों की छानबीन करी तो ऐसे बहुत लोग पकड़े भी गए हैं जो फ्रॉड कर रहे थे ऐसे लोगों का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत लोग पकड़े गए और जितना पैसा उनसे बरामद हुआ उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिन लोगों से वो पैसे लूटे गए थे, उनके नंबर से, उनके डिटेल्स को देखने के बाद। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि जब इन लोगों की बातचीत पकड़ने पे आई तो ऐसे 1, 2, 3 नहीं बल्कि ये भी हज़ारों की संख्या में पकड़े गए हैं। और इतने सारे ऐसे ऐसे लोग आपके बगल में भी रहते होंगे ना, आप तब भी नहीं पहचान पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा बंदा रहेगा तब भी आप उसको नहीं पहचान पाओगे कि ये ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पर अभी फाइनली क्या हुआ है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ दोस्तों। तो OLX पर जितने भी फ्रॉड हो रहे थे, मैंने क्या बताया, प्रशासन ने इसको देखा, इसको फोर्सली लिया, फिर उसके बाद इसको साइबर सेल वालों ने, क्राइम ब्रांच वालों ने, जब इसको टोटली फोर्स पे लिया तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा, जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त टेंशन में हुआ, वो OLX के CEO यानी कि OLX के MD इस वक्त टेंशन में थे। और जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि रिव्यू तो एप्लीकेशन का भी ख़राब हो रहा था। एप्लीकेशन पर जाके लोगों ने प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, और उस एप्लीकेशन के रिव्यू में ये फिल किया कि आपका जो ऐप है वो एक फ्रॉड ऐप है और इसके कारण आप ही इसको चलवा रहे हो। जब ऐसी सारी बहुत सी चीज़ें कहीं तो भाई इसी कारण OLX के जो MD हैं उन्होंने सोचा कि हाँ बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ, और हर जगह से जब ये रिपोर्ट मिल रही है तो क्यों ना इसका कोई समाधान करा जाए। तो OLX वालों ने समाधान कर दिया है। आज भी जो लोग इस पर ऐसे काम कर रहे हैं OLX उनको झटके में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद एक मैसेज आप तक पहुँचा देता है। तो दोस्तों मैसेज क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने कुछ ये मैसेज यहाँ पर खुल के आ जाता है। इस मैसेज का मतलब होता है कि ये जो यूज़र है वो फेक यूज़र है, फ्रॉड यूज़र है, इससे कोई बात ना करें और किसी भी ट्रांजैक्शन की बात आप ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए। ये पूरा का पूरा चिट्ठा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक OLX पर मैंने एक फ़ोन के लिए डाला था, और उस फ़ोन को जब वहाँ से रिप्लाई आया तो रिप्लाई आने के बाद ही जस्ट मेरे पास ये सस्पेंशन वाला मैसेज आ चुका है। तो आप ये पूरा मैसेज आप देख पा रहे होंगे, इस मैसेज में लोगों ने यही लिखा है कि ये लोग फ्रॉड हैं और ऐसे लोगों से बच के रहें और इस पर्सन से कोई भी ऐसी बात ना करें।
तो समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो भाई ये चीज हुई है और आप भी अब थोड़ा सतर्क हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है इस वक्त। तो आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ है दोस्तों, ये तो वापस नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी सकता है तो उन लोगों के पकड़े जाने के बाद। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, यही एक न्यूज आप तक पहुंचानी थी। बाय।